अटकलों और विधायक दल की बैठक का दौर शुरू हुआ है जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के एक बयान से। ललन सिंह ने नीतीश के खिलाफ साजिश का आरोप लगा दिया है। अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं, कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। तो जेडीयू के साजिश के आरोपों पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की तुलना कंस से की है। चिराग ने कहा कि नीतीश ने अपने हर करीबी को धोखा दिया। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार अपने करीबी लोगों का राजनीतिक वध करते हैं। उन्होंने रामविलास पासवान को भी प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया था। कि चिराग अगर किसी का मॉडल है तो रामविलास पासवान का। चिराग अगर किसी की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वो मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच। मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे रामविलास पासवान जी क्या थे? अपने अंतिम दिनों में जब वो आखिरी सांसें गिन रहे थे, यही मुख्यमंत्री जी थे। एक बार फोन कर उन्होंने उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कि कंस मामा ने देवकी माँ के सारे पुत्रों का एक 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 करके वध करते गए करते गए करते गए, क्यों? सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री जी का भी इतिहास भैया बहुत लंबा रहा है, कितनों का इन्होंने राजनीतिक वध नहीं किया। शरद यादव जी के हाल देख लीजिए, जौहर साहब का क्या हाल हुआ, अपने ही नेताओं को इन्होंने किस तरीके से प्रताड़ित किया, क्या जनता भूल सकती है इस बात को? प्रशांत किशोर जी के साथ इन्होंने क्या किया? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।